संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल पर हम आपको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की रिपेयरिंग सिखाते हैं। हमारे वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए लाल सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए बेल पर क्लिक करें, ऑल को सिलेक्ट करें और ओके दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, संदीप आगरमोर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का फर्स्ट सेमेस्टर का यह हमारा लेक्चर 2.5 है। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने दूसरी यूनिट में विभिन्न प्रकार के टूल किट वाले औजारों और अन्य औजारों के बारे में जाना। दोस्तों, अन्य औजारों में कुछ और औजार हैं जो हमें अभी हमें जानना आवश्यक है। तो आइए दोस्तों, अब हम आज इस लेक्चर में जानेंगे कि अन्य औजारों में पाइप कटर, पाइप रेंच, एडजस्टेबल स्पेनर और इसी प्रकार के कुछ और टूल्स के बारे में मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं कुछ अन्य औजारों के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखें कि ये हमारा स्पेनर है, ठीक है। इस तरह के टूल आप लोगों ने जनरली देखे होंगे, ठीक है। ये टूल्स इस प्रकार के टूल्स है जो काफी ज्यादा उपयोग में आते हैं, ठीक है। इनके बारे में ऑलमोस्ट सभी व्यक्ति जो है इन टूल्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। इस तरह के जो टूल्स होते हैं इसे हम लोग स्पेनर कहते हैं, या इन्हें साधारण भाषा में पानी भी कहा जाता है, ठीक है। दोस्तों, जबड़े का जो साइज होता है, जबड़े का साइज ही स्पेनर का साइज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये 3 mm के, यदि नट को खोलने के काम में आ रहा है नट बोल्ट को, तो ये 3 mm वाला स्पेनर कहलाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आगे बढ़ते जाए हम लोग, तो अगर यदि मान लीजिए 25 mm के नट को खोलने के काम आ रहा है, तो ये 25 mm वाला जो है स्पिनर कहलाएगा, ठीक है। अब दोस्तों, जो स्पिनर होते हैं वह अलग कई प्रकार के आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दोनों तरफ इसके मान लीजिए जा बनी हुई है नट को खोलने के लिए, जैसे इनमें दोनों तरफ बनी हुई है, तो ये डबल एंडेड स्पिनर कहलाते हैं। लेकिन यदि किसी स्पिनर में यदि केवल एक ही तरफ जा बनी हुई है, तो वह सिंगल एंडेड स्पिनर कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम देखें कि यहाँ जो है ये जा पूरी गोल बनी हुई है, रिंग के आकार में बनी हुई है, तो इस टाइप के जो स्पिनर है वहाँ रिंग स्पिनर कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह से और भी स्पिनर होते हैं, जैसे कि बॉक्स टाइप स्पिनर होता है और कुछ अलग प्रकार के स्पेशल टाइप के स्पिनर भी आते हैं, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि जो विद्युत कार होते हैं, विद्युत कारों के लिए 3 mm से लेकर के 25 mm तक वाले डबल एंडेड स्पेनर जो है वह उपयुक्त होते हैं, ठीक है। हमें 3 से 25 mm वाले स्पेनर का ही उपयोग ज्यादातर करना होता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक और विशेष बात बता देता हूँ कि ये स्पेनर जो होते हैं, स्पेनर को सामान्यतः सेटों के रूप में स्पेनर हमें मार्केट में अवेलेबल रहते हैं और सेट के रूप में ही इन्हें हमेशा रखा जाता है। जैसे कि 6 स्पिनर का सेट मिलता है, 12 स्पिनर का सेट भी मिलता है और 19 स्पिनर का सेट भी मार्केट में मिलता है, ठीक है। तो स्पिनर जो है वह सेट में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। तो जो यह थी दोस्तों स्पिनर्स के बारे में जानकारी। अब स्पिनर्स में एक अन्य स्पिनर भी होता है जिसे हम एडजस्टेबल स्पिनर या एडजस्टेबल रिंच कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आपको आकृति नजर आ रही है, टूल्स नजर आ रहा है, यह कहलाता है एडजस्टेबल स्पिनर या एडजस्टेबल रिंच, ठीक है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है हमें, यह एडजस्टेबल है। यह एडजस्टेबल दोस्तों इस मायने में है कि इसकी जो जा होती है, एक जा जो होती है नीचे वाला जो जबड़ा होता है इसका, वह मूवेबल होता है और ऊपर वाला जो जबड़ा है वह फिक्स्ड होता है। इस जबड़े को मूवेबल रखने से यह फायदा है कि यदि किसी नट के आकार का टूल किट में स्पेनर अगर अवेलेबल नहीं है, तो हम इस स्पेनर को एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसे हम किसी भी जो भी नट है जिसके साइज का यदि मान लीजिए स्पेनर नहीं है, तो उसके आकार में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं, उसके साइज में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें यहाँ एडजस्टिंग नट होता है, ये जो थ्रेड हमने बना रखी है यह एडजस्टिंग नट को दिखाती है। इस एडजस्टिंग नट को आप, इस एडजस्टिंग नट की सहायता से आप यहाँ पर जो जबड़े का साइज है उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। इस तरह से किसी भी नट को आप इस एडजस्टेबल स्पेनर की सहायता से खोल सकते हैं,
ठीक है। यह दोस्तों कहलाता है एडजस्टेबल स्पेनर, ठीक है, एडजस्टेबल ये स्पेनर या एडजस्टेबल रिंच। ये एडजस्टेबल स्पेनर जो होते हैं यह भी अलग अलग साइजेस में अवेलेबल है। जैसे 15 सेंटीमीटर लंबा जो इसकी टोटल लंबाई रहेगी ना, वह 15 सेंटीमीटर से लेकर के, जैसे 15 सेंटीमीटर वाला भी मार्केट में मिलता है, 15 सेंटीमीटर लंबा एडजस्टेबल रिंच, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर वाले एडजस्टेबल रिंच भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन हमें विद्युत कार को 20 सेंटीमीटर वाला एडजस्टेबल रिंच उपयुक्त होता है। इलेक्ट्रिशियन 20 सेंटीमीटर वाला एडजस्टेबल रिंच ज्यादातर प्रयोग करते हैं। इनका उपयोग भी हम लोग नट बोल्ट खोलने में कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो टूल है हमारा वह है पाइप रिंच, ठीक है। पाइप रिंच का यूज इलेक्ट्रिशियन जो कंड्यूट पाइप होते हैं या जीआई पाइप होते हैं, जब हम लोग घरेलू वायरिंग करते हैं तो वहां लोड कम होता है, इसीलिए हम वहां पर कंड्यूट पाइप यूज करते हैं। जो पीवीसी के पाइप होते हैं पीवीसी पाइप को यूज किया जाता है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल वायरिंग होती है वहां पर क्योंकि आग का खतरा हो सकता है, इसीलिए हम लोग वहां पर जीआई पाइप वाले या जो लोहे के पाइप वाले वायरिंग का यूज हम लोग करते हैं। तो ऐसी वायरिंग में यदि पाइप्स को आपको आगे बढ़ाना है, क्योंकि पाइप की एक लिमिटेशन होती है, पाइप जो है हमें मार्केट में निश्चित लंबाई में मिलते हैं। अब मान लीजिए उससे ज्यादा यदि आपको लंबाई बढ़ाना है तो अब आप पाइप में थ्रेड बनाएंगे, वो थ्रेड बना करके सॉकेट की सहायता से पाइप की लंबाई को बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो सॉकेट को कसने के लिए जिस टूल का यूज करते हैं उसे पाइप रिंच कहा जाता है। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पाइप रिंच यह पाइप को पकड़ने के लिए या जकड़ने के काम में आता है, ठीक है। इसकी सहायता से सॉकेट को हम लोग कस सकते हैं, चाहे कंड्यूट पाइप में सॉकेट को लगाना हो, चाहे जीआई पाइप में लगाना हो, पाइप रिंच का यूज किया जाता है। पाइप रिंच भी दोस्तों 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, 50 और 60 सेंटीमीटर की लंबाई में अवेलेबल होती है, ठीक है। विद्युत कार के लिए 25 सेंटीमीटर लंबाई वाली, मतलब जिसकी टोटल लंबाई जो है वह 25 सेंटीमीटर रहेगी, और जिसकी जो जबड़े की जो परास रहेगी, मतलब ये जो जबड़ा है यह जो खुल सकता है यह 4 सेंटीमीटर लंबा खुल सकता है, तो इसकी जबड़ा परास जो है 4 सेंटीमीटर रहेगी। जितना ज्यादा जबड़ा खुल सकता है वह उसकी रेंज कहलाती है। तो विद्युत कार को जिस पाइप रेंज की आवश्यकता होती है उसमें जबड़ा परास या जबड़े की जो रेंज है वह 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि जबड़ा 4 सेंटीमीटर तक खुलने वाला होना चाहिए। इसके अलावा जो कुल लंबाई है पाइप रिंच की वह 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। इसका उपयोग मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसका उपयोग हम लोग सॉकेट को कसने के लिए करते हैं, कंड्यूट पाइप में या जीआई पाइप में सॉकेट को कसने के लिए करते हैं। जब पाइप की लंबाई को बढ़ाना होता है तो वहां पर सॉकेट को कसना होता है, सॉकेट को लगाने के लिए हम लोग पाइप रिंच का यूज करते हैं। क्योंकि नॉर्मली इतने बड़े स्पिनर हमारे पास अवेलेबल नहीं होते हैं कि जिनकी सहायता से आप पाइप में सॉकेट को कस सकें, ठीक है। अब दोस्तों इसके बाद में आपको बताऊंगा पाइप कटर के बारे में, ठीक है। पाइप कटर जो होता है दोस्तों, पाइप कटर का यूज हम लोग जब मान लीजिए आपको यदि एक लंबा पाइप अवेलेबल है, लेकिन उस लंबे पाइप के तुलना में आपको एक कम आकार के पाइप की आवश्यकता है। जैसे मान लीजिए वायरिंग आप कहीं पे किसी एरिया में कर रहे हैं और आपको केवल 5 फीट का ही यदि मान लीजिए आपको कंड्यूट या जीआई पाइप लगाना है, इस स्थिति में हमें पाइप को काटना पड़ता है, और पाइप को काटने के लिए हम लोग पाइप कटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो टूल आपको नजर आ रहा है यह पाइप कटर कहलाता है, ठीक है, ये पाइप कटर कहलाता है। इसमें दोस्तों यहाँ पर 3 ब्लेड होती हैं, ठीक है, कटिंग ब्लेड्स होती हैं। यह जो ब्लैक कलर में हमने पहियों के आकार में बनाई हुई हैं, ये ब्लेड्स होती हैं, ये गोल ब्लेड ही होती हैं। यहाँ पर यह जो फिक्स्ड जा है, ये जा जो होती है स्थिर होती है। इस फिक्स्ड जा में एक ब्लेड, ये स्थिर जा में एक ब्लेड इंस्टॉल होता है। इसके अलावा जो 2 ब्लेड्स होती हैं, कटिंग ब्लेड्स होती हैं, या ये जो मूवेबल जा है, ये वाली मूवेबल जा में ये 2 ब्लेड्स जो है वहां इंस्टॉल होती हैं।
यहाँ पर यह वाला भाग जो है ये स्क्रू कहलाता है। जिस पाइप को काटना होता है उसे यहाँ पर जाके बीच में रखते हैं और हैंडल को धीरे से कसते जाते हैं और साथ ही साथ उसे घुमाते जाते हैं। हैंडल को कसेंगे और पाइप के ऊपर से घुमाएंगे। जैसे जैसे पाइप को घुमाते जाते हैं, जैसे जैसे पाइप कटर को पाइप के ऊपर घुमाते जाते हैं तो पाइप धीरे धीरे कटता चला जाता है। दोस्तों इसका जो साइज होता है, पाइप कटर 30 सेंटीमीटर से लेकर के 90 सेंटीमीटर तक लंबाई वाले पाइप कटर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, यह था पाइप कटर। अब दोस्तों आइए मैं आपको बताता हूँ रीमर के बारे में। दोस्तों इससे पहले कि हम रीमर के बारे में पढ़ें, यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा कि यदि मान लीजिए आपको वीडियो पसंद आते हैं तो आप उन्हें कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएं, लेकिन यदि वीडियो से संबंधित आपके कोई डाउट है, जो कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वो समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आप वह क्वेश्चन जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी पूछ सकते हैं, साथ ही साथ कमेंट में लिख कर भी आप अपने क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि आप कमेंट्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो वहां मैं आपको सीधे ही आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप पर आप यदि क्वेश्चन पोस्ट करते हैं तो वहां पर काफी सारे कारीगर और बच्चे लोग जो हैं, जो कि अभी करेंट में स्टडी कर रहे हैं, वो भी वहां पर ग्रुप में शामिल होते हैं। तो यदि मैं जवाब नहीं भी दे पाता हूँ तो वो बच्चे जो है आपका हेल्प कर सकते हैं, तो इसीलिए आप नीचे दिए गए लिंक में जाकर के हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग रीमर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों यह जो टूल आपको नजर आ रहा है यह टूल रीमर कहलाता है। दोस्तों रीमर को पढ़ने से पहले हमने पाइप कटर के बारे में पढ़ा था। पाइप कटर में हमने बताया था आपको कि पाइप कटर का इस्तेमाल कंड्यूट और जीआई पाइप को काटने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों देखिए, जो पाइप हम पाइप कटर की सहायता से काटते हैं तो उसके कोने जो होते हैं, जो कॉर्नर्स होते हैं, वह उबड़ खाबड़ होते हैं, जिनमें कि यदि मान लीजिए जब तार डाला जाता है या वायर डाला जाता है तो उसका इंसुलेशन जो है वह छिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में कॉर्नर्स को चिकना करने के लिए पाइप कटर या हेक्सा की सहायता से काटे गए कंड्यूट पाइप या जीआई पाइप के कॉर्नर्स को स्मूथ करने के लिए, उन्हें चिकना करने के लिए इस रीमर का इस्तेमाल किया जाता है। रीमर की यह जो सतह होती है इसको पाइप के अंदर इंसर्ट किया जाता है और रीमर को जब घुमाया जाता है तो उसकी सतह अपने आप स्मूथ होने लगती है। तो यह दोस्तों था रीमर। अब अगला जो टूल है हमारा वहां कहलाता है जिमलेट। ठीक है, जिमलेट। दोस्तों जिमलेट का इस्तेमाल भी छिद्र करने के लिए किया जाता है। जो लकड़ी होती है जैसे कि दरवाजे इत्यादि, इनमें जब हमें 3 mm से ज्यादा के छिद्र करना होते हैं तो हम लोग जिमलेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिमलेट का इस्तेमाल 3 mm से लेकर के 10 mm तक के छिद्रों को करने के लिए किया जा सकता है। ठीक है, जो अधिक गहरे छिद्र करना होते हैं, हमें 3 mm से ज्यादा गहरे छिद्र करने के लिए हम लोग जिमलेट का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इसका इस्तेमाल हम लोग 3 mm से लेकर के 10 mm तक के छिद्र करने के लिए कर सकते हैं। जिमलेट अन्य आकार में 6 से 6 mm में भी अवेलेबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यह था जिमलेट। इसके अलावा एक उपकरण और होता है जिसे हम छिद्र करने के लिए यूज करते हैं, जिसे हम लोग रिजेट ब्रश कहते हैं। ठीक है, ये जो उपकरण आप लोग देख रहे हैं इसे रिजेट ब्रश कहते हैं। यहाँ हमने इसे हॉरिजॉन्टल बनाया हुआ है, इसे खड़ा बनाया हुआ है, लेकिन दोस्तों इसका इस्तेमाल इस तरह से पोजीशन पे करते हैं, मतलब इसे वर्टिकल पोजीशन में करते हैं। यह वाला पॉइंट जो है, जो चक है, इस चक को नीचे की तरफ रखा जाता है और इसमें एक विशेष प्रकार की बिट लगाई जाती है जिसे आगर बिट कहते हैं। ठीक है, आगर बिट कहते हैं जिसे। ठीक है, ये अगर बिट यहाँ पर चक में लगाई जाती है और इस नोब को, प्रेसिंग नोब को छाती पर लगा करके या हाथ की सहायता से दबा करके और इस ड्राइविंग हैंडल की सहायता से, जब इस ड्राइविंग हैंडल को हम गोल गोल घुमाते हैं तो ये रेचेट ब्रश के द्वारा छेद किए जा सकते हैं। ठीक है, इस रेचेट ब्रश का यूज कम स्पीड से या धीमी गति से छेद करने के लिए रेचेट ब्रश का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि यहाँ पर बिट के रूप में स्क्रू ड्राइवर टाइप से फ्लैट बिट का इस्तेमाल करें तो इसी रेचेट ब्रश का इस्तेमाल स्क्रूओं को खोलने के लिए भी किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ था रेचेट ब्रश। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें कि रेचेट ब्रश और जिमलेट, यह सभी टूल्स आजकल
इस्तेमाल में नहीं आ रहे हैं क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन आ चुकी हैं जो कि बहुतायत से यूज की जा सकती हैं। लेकिन मान लीजिए कि यदि इलेक्ट्रिसिटी कभी फेलियर हो गई है और आपको काम करना आवश्यक है, तब आप रिजेट ब्रास या जिमलेट की सहायता से भी छिद्र कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। यदि आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक में जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस।